ओके तो हेलो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंजल वन में डीमैट अकाउंट क्लोज कैसे करना है। पूरा लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, कैसे करना है प्रोसेस, मैं क्लोज करने वाला हूँ, मेरे साथ चलिए और क्लोज आपका भी हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को रेफर करते हैं, मैंने किया था, तो उनका जो है कोई भी मतलब नहीं है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से दूर दूर तक। तो जो भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है पर ईयर वो उनको लगेगा, तो वो चार्जेस ना लगे इसीलिए अभी हम लोग उनके अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। तो जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दूंगा, ऑनलाइन प्रोसेस है तो कोई भी टेंशन नहीं है, इजीली हम लोग कर लेंगे। बस आपको वेरीफाई करना है कुछ डिटेल्स और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सिंपल सा हम लोग अपना जो एंजल वन है होम पेज में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इसीलिए वीडियो को पूरा देखो। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपका यहाँ में जो अकाउंट में वॉलेट में ना ये जीरो दिख रहा है, यहाँ में माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस होगा तो मतलब आपको ब्रोकर को पैसे देने हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लग सकता है। तो यहाँ में पूरा क्लियर होना चाहिए आपका जो भी, समझ गए ना। तो यहाँ में पोर्टफोलियो में जैसे जाएंगे हमारे पास कोई भी इक्विटी स्टॉक्स कुछ भी म्यूचुअल फंड या फिर म्यूचुअल फंड तो नहीं बोलूँगा, तो स्टॉक्स यहाँ में होल्ड नहीं किया है हम लोगों ने एंजल वन वालों के साथ, ठीक है। तो यहाँ में जो भी ब्रोकर के साथ लेन देन है वो आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो मेरे पास देखो स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं है जिसको मैं सेल करूँ, पूरा क्लियर है अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक्स है तो उसको सेल कर दो और पूरा क्लियर कर लो ब्रोकर के साथ। फिर अगर यहाँ में माइनस लगा हुआ है तो वो जितना भी माइनस लगा है उतना आप लोग पे कर लो और जीरो बटा पूरा का पूरा जीरो कर लो अकाउंट, पूरा क्लियर कर लो ब्रोकर के साथ। फिर होगा अकाउंट ओपनिंग का जो अकाउंट क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट, ठीक है। चलो तो सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, अगर आप मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हो, होम पेज से हम लोग अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे, अकाउंट से हम लोग सीधा जाएंगे सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट। फिर से बोल रहा हूँ, होम पेज में जाएंगे पहले, फिर हम लोग अकाउंट सेक्शन में जाके हेल्प एंड सपोर्ट वाले टैब में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ में देखो लिखा है वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है, हमको हेल्प चाहिए आपकी। जैसे हम लोग क्लोज करने जाएंगे तो यहाँ में एंजल वन वाले हमको क्या कहते हैं कि एक एंजल वन का जो मेल है support@angelbroking.com उसमें हम लोगों को अपना जो भी रजिस्टर्ड मेल है उससे उनको रिक्वेस्ट करना है कि हमारा अकाउंट क्लोज कर दीजिए, और उसमें सिर्फ यही लिखना है कि अपना जो आपका जो भी क्लाइंट आईडी है और जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल है उससे मेल करना है कि आई वांट टू क्लोज माई डीमैट अकाउंट। बस इतना सा लिख दोगे और क्लाइंट आईडी दे दोगे, जो आपका मेल है वो जाना चाहिए आपका रजिस्टर्ड मेल से, तो आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ये एंजल वन वालों का कहना है, और ऐसे ही डीमैट अकाउंट क्लोज होता है। तो चलिए हम लोग मेल करते हैं। तो देखो मेरा जो मेल है उसको चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हो, मैं साथ में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ और क्लाइंट आईडी भी दे रहा हूँ और अपना सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ कि आई वांट टू क्लोज माय डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह। तो जैसे हम लोग मेल सेंड कर दोगे तो आप लोगों को एक मैसेज आएगा कि हम लोगों ने आपका मेल मिल गया है, अभी कुछ टाइम के अंदर आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। तो हो सकता है आप वो जो सपोर्ट टीम है वो आपसे बात करें एक बार फिर कंफर्मेशन के लिए, और फिर आपका जो भी है कुछ बिजनेस डेज ट्रेडिंग डेज के अंदर आपका जो भी है डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, यही होता है प्रोसेस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। इन दी एंड मैं आप लोगों को जो कंफर्मेशन का मेल आएगा 6 दिन बाद अकाउंट क्लोजिंग का, वो मेल मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में अभी दिखा दूंगा। तो यही सारा वीडियो था, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।